मित्रों नमस्कार, हमारे साथ हैं मोहन राम जी कड़वासरा। कड़वासरा। और मोहन राम जी रहते हैं कुवैत में, ये उधर अरबी देश है। अरब कंट्री। हाँ, अरब कंट्रीज में आता है कुवैत। कुवैत के अंदर रहते हैं, कभी कतर रहते थे, कभी कुवैत, ऐसे उधर आसपास के देशों में काम करते रहते हैं। और उधर जाके ये मतलब 2 साल बाद आते हैं, 2 साल में। तो कैसा अनुभव रहता है उधर? बहुत अच्छा रहता है, बहुत रहते हैं। और किस किस देश के आते हैं उधर मजदूर करने? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। पाकिस्तान से भी आते हैं? बांग्लादेश अच्छा, उधर मरे मतलब कैसा पहाड़ी इलाका है, जमीन है क्या है? रेगिस्तान इलाका, रेगिस्तान है। कुवैत में पहाड़ी इलाका वो है अपना जैसा ही समतल, और कहीं पर धोरे भी है रेतीले, और दुबई में बहुत है। क्या सबसे काम ज़्यादा रेतीले दुबई? हाँ, मेरा तो घोड़े का काम है। और साइड मतलब घोड़ा तैयार करना, क्या करना है? घोड़ा तैयार करना, पकाना, चाना, अच्छा, उसको पूरा रेडी करना है एकदम घोड़े को। अच्छा, रेस कराना, जो भी लेके जाना है शो कराना, अच्छा ये काम होता है उधर ये है? काम होता है। अच्छा, और उधर मतलब खाना वगैरह कैसा मिलता है? शोषण तो खाना नहीं करते हैं दूसरे देश वाले भारत वालों का? नहीं करते, कोई किसी का नहीं करते, अपने जैसे रखते हैं सब। अच्छा, अपना समझ के रखते हैं। अच्छा, तुम कितने वर्षों से रह रहे हो वहाँ बाहर? 6 साल से। 6 साल हो गए। तो मतलब कौन ले गया वहाँ पर सबसे पहले, किसकी जान पहचान थी? वो रिश्तेदार अपना बहुत है उसको। अच्छा, वो ले गए हैं। अच्छा, और मतलब तो वहाँ पर और किस किस काम के लिए जाते हैं लोग? तो घोड़े का, ऊंट ऊँटों का, और घोड़ों का काम होता है ज़्यादा है, और गाड़ी का। और गाड़ी का उधर अपने राजस्थान के ये 3 काम में जाते हैं। और ऊँटों घोड़ों को क्या उधर व्यापार रेस होता है? रेस रेस होती? रेस होती, व्यापार होता है। अच्छा, वो में शेख लोग करते हैं उधर? हाँ, शेख बहुत पैसे वाले लोग होते हैं? सब पैसे वाले होते हैं। इसके बाद में बाहर भी जाते हैं, इंग्लिश कंट्री में घोड़े, अच्छा, जैसे जापान है, इंग्लैंड है, वो आता है उधर, देखता है रेस अच्छा होता है, वो घोड़ा खरीद लेता है। अच्छा, तो वो मुस्लिम कंट्री है कुवैत, उधर ऐसे नहीं होता कि ये हिंदू है मुस्लिम है यहाँ काम ये नहीं नहीं करना? होता है, ये कभी नहीं होता है। तो हमारे इधर भारत में तो हिंदू लोग कहते हैं मुसलमानों को भगाओ, ऐसा करो ऐसा वो करो, कुछ भी करो, वो उधर नहीं होते, उधर नहीं होता। वो मतलब उधर नहीं होते। अपने जैसा रखते हैं हिंदुओं को भी? अपने जैसा रखता है, 2 साल रहता है, उतने देर तो नहीं रहता है। जय श्री राम। बस वैसे उसका यही है खत्म, कि बाय बस बाय। खत्म, बाय बाय। अच्छा, अभी कतर का आपने वीडियो देखा? ये हाँ, कौन सा? कतर वाला नहीं देखा? कतर में क्या हुआ? सैनिक भर्ती, वो जवान कैदी हाँ, थे, वो फांसी लेके आए वाला, वहां से। वहां से निकल गया बाहर, हाँ अभी आ गया। हाँ वो लेकर आए उनको, ये हाँ, या वापस लेकर आए? वापस मोदी लेके आ गए। कैसे फंस गए वो, क्या हो गया उनको? फंसा हुआ कुछ नहीं था, थोड़ा सा बस कोई बोल दिया। आतंकवादी गतिविधियां थी, वो लोग शामिल थे भारतीय क्या? नहीं शामिल थे, वो बना दिया, बोल दिया ये थे, वो बोला हम नहीं थे, वो हाँ, बोला कैद, साबित हो गया फिर? साबित हो गया, आ गया बाहर। अच्छा, जैसे तुम्हारी हमारी दुश्मनी है, तुम कुछ भी बोलते हैं हम सीधा है, तुम भी सीधा, बीच वाला बोलेगा नहीं, ऐसा है। वो हो अच्छा गया अच्छा वो हो गया। पाकिस्तान बोला, पाकिस्तान का सैनिक था, वो बोला ये तो ऐसा कर रहा है, इंडिया वाला ऐसा दे दिया बाहर, वो दे दिया, सब कुछ कर दिया, वो नहीं किया, वो सबूत हो गया, बाहर आ गया, बस अच्छा रिया हो गया बस। अच्छा वहां से मतलब घर कितने महीनों बाद आते हो? वो 22-23, 22-23 बस, कोई बाईस 18 तेईस महीना क्या से बोल, महीने 22-23 महीने? 22-23 महीने, 2 साल समझो, 18 महीने से बाद क्या? 18 महीने के बाद आते हैं, परंतु कोई बोलता है यार अभी काम नहीं है, प्रोग्राम होगा बाद में जाएगा, अभी कुछ काम नहीं है। तो अच्छा, तो वहां रहते घर वालों की याद नहीं आती? याद आती है तो क्या करे, कमाने जाने बाद में तो याद का क्या करेगा, अच्छा, हाँ मतलब कमाना पड़ता कमाना है तो पड़ता ही है, बिल्कुल याद। राइट तो बात इधर है। बार बार जाते तो भी आती है, हाँ, मजबूरी तो करनी पड़ती है ना। करनी पड़ती है। ओके, बाय बाय। अपने गांव से कोई और लोग है उधर आपके आसपास? आसपास है ना, कौन कौन है? एक आदमी है अभी तो एक अपने है। गांव का, अच्छा, और वहाँ पर येलू को कहना प्रभु। अच्छा, खाने में क्या क्या मिलता है उधर? खाने में सब्जी मिलती है, आटा मिलता है, गेहूँ का, अच्छा, गेहूँ का आटा मिल जाता है? गेहूँ का आटा मिलता है, दूध मिलता है, सब कुछ मिलता है, अच्छा, दूध भी मिल जाता है? दूध मिलता है, दही अच्छा, मिलता है। शोषण तो नहीं होता ना वहाँ पर लोगों का? मतलब ऐसे नहीं कि तनख्वाह नहीं देंगे ऐसे? नहीं कुछ नहीं होता है, वो अफवाह करते हैं, कोई लोग भाग जाते हैं ज्यादा के चक्कर में, वो हो जाता अच्छा, है। सबसे जरूर क्या? वीजा? वीजा जरूरी, वीजा के वीजा बिना वापस नहीं आ सकते, वहीं नहीं आ घूमते रहो सकते, बस? पासपोर्ट है, वीजा है आपका, अच्छा, वो वो आपके पास है। आप में जैसे मैं आपके पास आ गया काम के लिए,
वो आपका आईडी कार्ड है जो वीजा पासपोर्ट, उसके बिना कुछ नहीं होता कि आप आदमी या भारतीय हो या क्या सबूत है। भारतीय हो कुछ भी हो, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप किसका आदमी हो वो भी सबूत नहीं है। हाँ नहीं है, मैं आपके पास आ गया कोई आपका सबूत, मेरे पास आईडी कार्ड नहीं है तो आपका कोई सबूत नहीं है, आपके पास था आप बोल दिया मेरा नहीं है, नहीं है। बिल्कुल ये है मोहन राम जी, और मोहन राम जी मेरे को वहाँ पर व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते रहते हैं, और वहाँ पर हमारे रात दिन में इतना फर्क कितना है वो आप बता दो थोड़ा। ढाई घंटे का फर्क, ढाई घंटे का, यहाँ अंधेरा हो जाए, यहाँ पर लगभग 9 बज जाते हैं रात के शाम के, और वहाँ पर मतलब सूर्य अस्त होना होता है, इतना क्या फर्क है, बहुत फर्क है, यहाँ 5 बजता है वहाँ 2:30 बजता है। हाँ हाँ ये इतना फर्क है, 2.5 घंटे का फर्क, पूरा पूरा फर्क है एकदम। तो मोहन राम जी मिले हमें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें।